हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूल मॉस्फेट। ड्यूल मॉस्फेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है और कैसे हम कंफर्म करेंगे कि बोर्ड के अंदर कि जो ड्यूल मॉस्फेट है ये कहाँ पर लगा होता है और इसकी टेस्टिंग कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। और कैसे पता करेंगे कि बोर्ड के अंदर जो है ये कौन कौन से बोर्ड के अंदर लगा होता है और इसकी पहचान क्या है और इसकी टेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये जो है क्लियर होगा ड्यूल मॉस्फेट होता क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्यूल मॉस्फेट जो है वो दो मॉस्फेट से मिलकर बना होता है, जो दो सिंगल मॉस्फेट से मिलकर बना होता है। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप का जो मॉस्फेट है, या मैंने इस पर जो है सिंगल जो मॉस्फेट है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आप अगर सिंगल मॉस्फेट की वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो। उसके बाद से अगर हम बात करें ड्यूल मॉस्फेट, तो ड्यूल मॉस्फेट जो होता है वो 8 पिन मॉस्फेट और 6 पिन का जो मॉस्फेट होता है ना उसके अंदर जो है, मतलब 8 पिन और 6 पिन का जो मॉस्फेट है वो सिंगल मॉस्फेट भी होता है और उसके अंदर ड्यूल मॉस्फेट भी होता है। मतलब दो मॉस्फेट से मिलकर एक 8 पिन का मॉस्फेट बना होता है या 6 पिन का मॉस्फेट बना होता है, ठीक है। या ज़्यादातर जो होता है उसमें क्या होता है कि 8 पिन वाले जो है उसमें आपको सिंगल ही मॉस्फेट मिलेगा। पर कुछ ऐसे बोर्ड है जिसमें जो लेटेस्ट आजकल जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप या अलग अलग टाइप के जो भी सर्किट आ रहे हैं उसमें जो 8 पिन वाला जो मॉस्फेट है उसमें आपको सिंगल टाइप का भी मिलेगा ड्यूल भी मिलेगा। तो उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? ऐसे ही 6 पिन वाले जो है उसमें भी आपको सिंगल मिलेगा और डबल मिलेगा। तो उसको समझते हैं। अगर सिंगल टाइप की अगर बात करें तो सिंगल टाइप में जैसे मैंने ऑलरेडी इस पर भी एक वीडियो बना रखा है कि अगर 8 पिन का मॉस्फेट है या 6 पिन का मॉस्फेट है तो वो सिंगल, उसकी टेस्टिंग क्या है। ऐसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो सिंगल जो मॉस्फेट होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर 8 पिन का सिंगल मॉस्फेट है उसमें एक साइड के जो 4 पिन होते हैं वो ड्रेन होता है, जो चारों आपस में बिप करता है, और दूसरे साइड से जो 3 पिन होता है वो सोर्स होता है जो आपस में बिप करता है, और 1 पिन जो होता है वो सिंगल होता है जो गेट होता है जो किसी से भी कनेक्ट नहीं होता। वो सिंगल जो 8 पिन का मॉस्फेट होता है उसके बात कर रहा हूँ मैं, वो सिंगल इस टाइप का आपको दिखेगा। मगर जब ड्यूल मॉस्फेट होगा तो दिखने में तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब मॉस्फेट ही जैसे दिखेगा जैसे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, या इस टाइप के जो है, मगर इसके अंदर जो है दो मॉस्फेट लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सिंबल के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 8 पिन है मगर इसके अंदर जो है दो मॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये दो मॉस्फेट कैसे लगा हुआ है, तो इसमें होगा क्या कि अगर 8 पिन का मॉस्फेट होगा ना, इसमें एक साइड का 2 पिन आपस में बीप करेगा। जैसे कि ये दो स्टार्टिंग के 2 पिन आपस में बीप करेगा और उसके बाद से ये जो दोनों पिन है ना, जैसे कि 1 2 हो गया, ये आपस में बीप करेगा और उसके बाद से 3 और 4 जो पिन वो आपस में बीप करेगा, ठीक है। चारों आपस में बीप नहीं करेगा, ड्यूल मॉस्फेट की बात कर रहा हूँ। और ड्यूल मॉस्फेट में भी दो मॉस्फेट होते हैं, मतलब 8 पिन वाले जो मॉस्फेट होता है उसके अंदर जो है ड्यूल दो टाइप का आता है। तो मैं पहले वाले टाइप की बात कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरे टाइप के भी ड्यूल मॉस्फेट के बारे में बताऊंगा। तो पहले वाले टाइप जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं, इसको देख के भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें है क्या कि एक साइड से जो है 2 पिन आपस में बीप करेगा, 1 मान के चलते हैं 1 या 2 आपस में बीप करेगा, उसके बाद से 3 और 4 वो अलग से आपस में बीप करेगा। तो जो 1 और 2 आपस में जो बीप कर रहा है ना वो ड्रेन हो गया, फर्स्ट मॉस्फेट का क्या हो गया, वो ड्रेन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट मॉस्फेट का ये ड्रेन हो गया, ठीक है। उसके बाद से जो है इसका फर्स्ट मॉस्फेट का ये सोर्स और ये गेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो है इस बोर्ड के अंदर हम बात करें, मतलब इसके अंदर बात करें तो ये पहला मॉस्फेट का जो हो गया ये ड्रेन हो गया और ये सोर्स हो गया और ये गेट हो गया, ठीक है। इसमें भी जो है ये गेट और ये सोर्स और ये दोनों ड्रेन हो गया, मतलब एक साइड से 2 पिन आपस में बीप करेगा, 2 अलग से आपस में बीप करेगा, और दूसरे साइड से अगर चारों में से कोई भी पिन अगर आपस में बीप नहीं कर रहा है और एक साइड से 2 आपस में बीप कर रहा है, 2 अलग से आपस में बीप कर रहा है, तो ये 8 पिन का ड्यूल वाला मॉस्फेट है, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग यही है, नॉर्मली आपको टेस्टिंग कर लेना है कि ये 2 आपस में करेगा और उसके बाद से उसका जो है दोनों का जो ये ड्रेन हो गया और उसका जो है एक सोर्स होगा एक गेट होगा। और इसमें भी सेम ये 2 ड्रेन हो गया
और इसमें जो है मतलब दोनों पिन आपस में जो बीप करेगा वो ड्रेन हो गया और एक सोर्स और एक इसका गेट हो गया, ठीक है। अगर यही 8 पिन की बात करें, दूसरे वाला जो मॉसफेट है जो सबसे ज़्यादा, ये बहुत कम यूज होते हैं, मगर 8 पिन वाला जो मॉसफेट है उसमें ये ड्यूल वाला सबसे ज़्यादा मतलब आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। इस टाइप के जो इंटरनली जो है दो डायोड से मिलकर, मतलब सॉरी दो सिंगल जो मॉसफेट होते हैं उससे मिलकर बना होता है। आपको पता ही है कि जो सिंगल मॉसफेट होते हैं उसमें ड्रेन सोर्स और गेट होता है। तो 8 पिन के अंदर अगर ड्यूल मॉसफेट लगा होगा तो वो कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको देखने के बाद ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। ये जो 8 पिन का जो है ये कैसे लगा होता है इंटरनली, ये अंदर का मॉसफेट है, मैं ये ऊपर से दिख रहा है मगर ये इंटरनली होता है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अगर बात करें तो देखिए इसमें जो है ये सिंगल वाला जो मॉसफेट है इसका जो है सोर्स मेन इसमें ये मेन मॉसफेट लिखा है, ये सपोर्टिंग मॉसफेट, ये दोनों मॉसफेट को मिला के एक सिंगल वाला मॉसफेट 8 पिन का बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ड्यूल मॉसफेट। तो मेन का जो सोर्स है ना वो सपोर्टिंग के ड्रेन से कनेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेन पहला वाला जो मॉसफेट है, जैसे 1 और 2 ये जो है पहले मॉसफेट का ड्रेन है, और इसका जो है गेट आप देख सकते हैं ये है गेट, ठीक है। मतलब ये पहले मॉसफेट का ये ड्रेन हो गया, पहले मॉसफेट का ड्रेन और इसका ये गेट हो गया और पहले मॉसफेट का ये सोर्स हो गया। तो पहला मॉसफेट का जो सोर्स है ना ये सपोर्टिंग मॉसफेट के दूसरे मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट होता है इंटरनली। तो आप देख सकते हैं पहले मॉसफेट का ये जो सोर्स है ना ये सपोर्टिंग मॉसफेट का जो ड्रेन है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सपोर्टिंग का ड्रेन है, इससे ये कनेक्ट होता है। मतलब अगर 8 पिन का जो मॉसफेट होगा और इस टाइप का जो मॉसफेट होगा उसमें आपको क्या मतलब चेक करना है, कैसे चेक करना है, तो एक साइड से आपको 2 पिन बीप करेगा, एक साइड से जो 2 पिन बीप करेगा वो फर्स्ट मॉसफेट का ड्रेन होगा और दूसरे साइड से 3 पिन आपस में बीप करेगा। जैसे आप देख सकते हैं दूसरे जो मॉसफेट है सपोर्टिंग मॉसफेट है उसका ये ड्रेन, ये ड्रेन और ये ड्रेन, और यही जो ड्रेन है ना यही सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स भी होता है, यही सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स भी होता है और मेन फर्स्ट मॉसफेट का जो है सोर्स होता है और सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन होता है। सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन और फर्स्ट मॉसफेट का सोर्स होता है, और सपोर्टिंग मॉसफेट का अगर सोर्स की बात करें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं और इसका जो है गेट ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर प्रॉपर आप देखेंगे तो ये आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि ये जो मॉसफेट है इंटरनली कैसे लगा होता है, ठीक है। इसको हम बस नॉर्मली हम ऐसे ही चेक करते हैं, अगर 8 पिन का अगर ड्यूल मॉसफेट है तो एक साइड से 2 पिन बीप करना चाहिए और दूसरे साइड से 3 पिन आपस में बीप करना चाहिए। अगर ड्यूल मॉसफेट है तो इसका मतलब ये मॉसफेट हमारा बिल्कुल ओके है। जो 6 पिन वाला जो मॉसफेट है इसमें क्या है कि 2 मॉसफेट इसमें भी होता है, ठीक है, जिसमें जो है फर्स्ट नंबर जो पिन होता है वो पहला मॉसफेट का जो है वो सोर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला पिन पहले मॉसफेट का सोर्स होगा, उसके बाद से अगर हम बात करें सेकेंड नंबर जो पिन होगा वो पहले मॉसफेट का गेट होगा, और जो 6 नंबर पिन होता है वो पहले मॉसफेट का ड्रेन होता है, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे मॉसफेट की तो दूसरे मॉसफेट में जो होगा वो तीसरा नंबर जो पिन होगा ना वो पहले दूसरे मॉसफेट का ड्रेन होगा, और जो 4 नंबर पिन होगा वो दूसरे मॉसफेट का सोर्स होगा, और 5 नंबर जो पिन होगा वो दूसरे मॉसफेट का जो है वो गेट पिन होता है। तो ऐसे देख के या उसको चेक करके हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, कि ड्यूल मॉसफेट है या सिंगल मॉसफेट है। अगर ड्यूल मॉसफेट होगा तो इसमें कोई भी पिन आपस में बीप नहीं करेगा, और अगर ये सिंगल मॉसफेट होगा ना तो इसमें 1, 2, 5, 6 आपस में बीप करेगा और जो वो ड्रेन होगा, और तीसरा नंबर पिन होगा वो पहले मॉसफेट का गेट होगा और चौथा नंबर पहले मॉसफेट का सोर्स होगा, ठीक है। अगर वो सिंगल मॉसफेट होगा तो ठीक है 1, 2, 5, 6 आपस में बीप करेगा, मगर जब ड्यूल होगा तो ये कोई भी पिन आपस में बीप नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।